हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन बीआईएमटी यूट्यूब क्लासेस एंड योर सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज आपकी ये फोर्थ यूनिट स्टार्ट है। इससे पहले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी और आपकी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, वो आपकी थर्ड यूनिट के अंदर आती है। ठीक है, तो आज हमारी फोर्थ यूनिट स्टार्ट है जिसमें हमारा सबसे पहला जिसके अंदर टॉपिक है वो है आपका डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपका जो डब्ल्यूटीओ है वो आपका एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली जो आपकी ट्रेड्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखकर आपका बनाया हुआ है। इसको बनाकर जो आपका डब्ल्यूटीओ है बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी वर्किंग या जो भी फंक्शनिंग होती है वो आपकी डब्ल्यूटीओ के थ्रू होती है। इसके थ्रू होती है डब्ल्यूटीओ के थ्रू। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का बेसिकली काम क्या है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के उनके बीच में जो भी आपकी ट्रेड होती है, जो भी एक्सपोर्ट होता है या जो भी उनके बीच में इम्पोर्ट आपका होता है और उस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारा वर्क आपका इसके अंदर आता है जो आपका डब्ल्यूटीओ होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें भी यही लिखा हुआ है डब्ल्यूटीओ के अंदर कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, तो जो भी नेशंस हैं उनके बीच में जो भी ट्रेड होती है उसे रेगुलेट करने का काम किसका होता है, जो आपका डब्ल्यूटीओ होता है, जो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, अब जब हम डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं तो उनकी भाई ये डब्ल्यूटीओ आपका कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर्स थे या कंट्री आज इसके अंदर आपके कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995। जो डब्ल्यूटीओ है फर्स्टली ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था 1995 में, यह अनाउंसमेंट हुआ था अंडर द मैराकेश एग्रीमेंट साइंड बाई 123 नेशंस ऑन 15 अप्रैल 1994। 1995 अप्रैल 1994 में 123 आपके 123 नेशंस थे जिन्होंने मैराकेश एग्रीमेंट जो है उसके अंडर जो है डब्ल्यूटीओ की भाई अब हम इसे डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ठीक है, उसमें साइन किए और 1 जनवरी 1995 को इसका अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, अब जो आप ये कि जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, इससे पहले जो था डब्ल्यूटीओ ये रिप्लेस इसने डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया है गैट को। ठीक है, गैट क्या है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इससे पहले जो आपका डब्ल्यूटीओ था, ठीक है, इससे पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड की फंक्शनिंग होती थी बट वो किसके नाम से होती थी, वो आपकी गैट के नाम से होती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि आपका 1948 में आपका अनाउंस हुआ। तो आप ये देखिए कि जो हम यदि ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो ट्रेड आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की तो 1948 में ये आपका एक गैट के नाम से स्टार्ट हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद जो है आपका 15 अप्रैल 1994 को जो आपके 123 नेशंस थे उन्होंने गैट को रिप्लेस करके उसकी जगह एक आपका इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशन बनाया डब्ल्यूटीओ, और जिसे पब्लिकली या जिसे प्रैक्टिस में जो वो आया है उसे अनाउंस किया गया है वो आपका किया गया है 1 जनवरी 1995। ठीक है, अब ये तो बात होगी इसकी कि भाई इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, आपके डब्ल्यूटीओ के अंदर और ये कब अनाउंस हुआ, इससे पहले क्या था कि गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बना। अब इसके यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो जो आपका डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे जो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बेसिकली ऑफिस जो है दो कंट्रीज में आपको मिलेंगे, एक तो स्विट्जरलैंड में मिलेंगे जेनेवा में और दूसरा आपका अमेरिका के अंदर मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के नाम से जगह है जहां पर
आपके मोस्टली जो आपके जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपको वहां पर मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि भाई जो आपका WTO है उसके क्या क्या फीचर्स है, कि भाई फीचर्स ऑफ WTO। ठीक है, तो उसमें इसका सबसे पहला जो आपका फीचर्स आता है WTO का वो आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि यदि हम WTO की बात करें तो इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, यदि आप मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 164 इसके मेंबर कंट्रीज है। तो WTO क्या कहता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं 164 की, उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली आपका ट्रीट करता है जो WTO होता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है अलग अलग करना। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जहां पर चीजें अलग अलग नहीं है, जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, सबके साथ एक है अकॉर्डिंग टू WTO। बट यदि आप WTO की बात करें, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, उनमें जो एक तरह से होल्ड होता है वो चार पांच कंट्री का ही होता है। अमेरिका का आपका होता है, आपके और यूरोपियन कंट्रीज का मेनली होल्ड उनके ऊपर होता है। क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग से ही सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग वो ही कंट्री इन ऑर्गेनाइजेशन को करके चलते हैं। ठीक है, सेकंड है फ्री ट्रेड। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ट्रेड। WTO क्या कहता है कि भाई जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड होनी चाहिए। फ्री ट्रेड मतलब क्या कि जो भी टैरिफ्स हैं या जो भी आप ड्यूटीज लगाते हो दूसरे कंट्रीज के ऊपर, जब आप वो अपना प्रोडक्ट कहां पर हमारे कंट्री के अंदर लेकर आते हैं तो उसे फ्रीली किया जाए। बट जितने भी हम बात करें, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, सब में फ्री ट्रेड आपकी नहीं है। उसका एक रीजन क्या है फ्री ट्रेड ना होने का, कि जैसे इंडिया और चाइना है, ठीक है, इनका दोनों का बिजनेस है। ठीक है, तो चाइना क्या करता है, हमें ज्यादा माल बेचता है इंडिया में और हम इंडिया से चाइना को कम आपका एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं चाइना से, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हमें बेनिफिट किसका क्या होता है कि जो जितना भी चाइना हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट करता है, चाइना जो है जो आपका इम्पोर्ट करता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो हमारे पास उतने ही ज्यादा टैक्सेस और आपके टैरिफ्स से जो हमारे पास इनकम आती है वो ज्यादा आती है। ठीक है, लेकिन हम वहां पर कम करते हैं तो जो चाइना है, चाइना को उससे कम इनकम होती है। यदि हम फ्रीली करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि चाइना को बहुत ज्यादा यहाँ पर चाइना को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए WTO तो कहता है कि वी आर फ्री ट्रेड करके जो आपके अराउंड द कंट्रीज है, बट वो आपका इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे सब वो आपका इतना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद होता है स्टेबिलिटी इन ट्रेडिंग सिस्टम, कि जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ठीक है, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें आपकी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए, कि ये नहीं कि ट्रेडिंग हो रही है बंद हो रही है या आपके बीच में ट्रेड चल रही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही, वो एक स्टेबल वे पर आपकी ट्रेड वहां पर चले। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भाई प्रमोशन ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन। भाई ठीक है, मेंबर है आपको WTO के, तो इट मीन्स क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दो, कॉम्पिटिशन होना चाहिए। WTO क्या कहता है कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए, बट फेयर कॉम्पिटिशन वहां पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्या है जो आपके डेवलपिंग कंट्री है उनसे ज्यादा फायदा उठाओ, नहीं। कि ठीक है कॉम्पिटिशन आपको मार्केट में करना है, बट जो आप मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन करते हो वो कॉम्पिटिशन एक तरीके से फेयर आपका कॉम्पिटिशन वहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट फिर है कि स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। WTO का मेन फोकस कहां पर होता है कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, तो डेवलप्ड होते हैं जिन्हें आप विकसित कहते हो, एक आपके डेवलपिंग कंट्री होते हैं जिन्हें आप विकासशील कहते हो। जैसे इंडिया है वो डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्री है। तो WTO क्या कहता है डेवलप्ड कंट्री से कि भाई जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आप उन्हें हेल्प कीजिए जिससे कि उनकी इकोनॉमी भी डेवलप्ड हो। बट जो डेवलप्ड है वो नहीं चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा कि भाई यदि सारे डेवलप हो जाए तो जो उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है हर जगह, ठीक है, वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। बट WTO का मेन कैरेक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक या एक तरीके से तो उसका फीचर क्या है या क्या कहता है WTO कि भाई स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वो तो ये कहता है कि भाई यदि कोई डेवलपिंग कंट्री है
उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, इस वजह से उसे कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी वहां पर सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस कमिटमेंट। मार्केट एक्सेस कमिटमेंट क्या, कि जब आप WTO के मेंबर्स बनते हो तो WTO आपको एक तरीके से कंफर्म करता है कि भैया आप WTO के अंदर आए हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली मार्केट एक्सेस और कमिटमेंट देंगे कि प्रॉपरली आपका ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर चलेगा, प्रॉपरली आप व्यापार यहाँ पर करके चलोगे। नेक्स्ट है आपका कि डिसीजन एट द मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स, कि जो भी WTO के अंदर डिसीजन होते हैं वो मिनिस्ट्रियल लेवल पर होते हैं, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जिनकी मेन होल्डिंग होती है तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने जो भी एनुअली या हाफ ईयरली जो है वो वहां पर मीटिंग अरेंज करते हैं, उस चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कुछ चेंज करना हो तो उसे चेंज करने के लिए अप्रूवल देने हैं या कंटिन्यूली चलना है तो उसके लिए क्या करता है, जो WTO होता है वो जितने भी मिनिस्ट्रियल लेवल होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो वो उनकी भी मीटिंग वहां पर करा के चलता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका वाइडर रेंज ऑफ इश्यू। वाइडर रेंज ऑफ इश्यू क्या है, केवल यदि हम WTO की बात करें तो वो केवल यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि बस उसे क्या करना है कि ट्रेड करा दिया, साथ के साथ वो आगे बढ़कर भी काम करता है कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज है उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उन्हें सिक्योर किया जाए, या उनके कॉपीराइट या पेटेंट है उन्हें किस तरीके से सिक्योर किया जाए, साथ के साथ कि कोई डिस्प्यूट्स है ठीक है अमंग द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड को लेकर कि उस डिस्प्यूट्स को दूर करना, ठीक है कोई भी दिक्कत है किसी भी कंट्रीज को ट्रेड करने में तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करना। तो कहने का मतलब यह है कि जो WTO है केवल वो ये नहीं कि ट्रेड के ऊपर ही फोकस करता है, साथ के साथ ट्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी इश्यूज हैं या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें आपका रिमूव करके चलता है जो आपका WTO होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं WTO के, कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं WTO के, तो WTO का आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है WTO का कि जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल्स है, जो मेंबर कंट्रीज है वहां के जो पीपल्स है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे आपका इम्प्रूव करना, ठीक है, कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है ठीक है उनका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इम्प्रूव करना, उसे हाई लेवल करना कि भाई लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा उनके पास प्रोडक्ट चॉइस करने के ऑप्शन हो और उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपका हाई हो। सेकेंड इसका उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड कि जो भी फुल जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है ठीक है उनके लिए जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एंश्योर करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले जो इसके मेंबर आपके कंट्रीज है। थर्ड वन इसका क्या है ऑब्जेक्टिव कि टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन्हें एनकरेज करना कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उनकी आप ट्रेड करो, हम आपका जो भी ट्रेड है या जो भी आपने प्रोडक्शन किया है हम सबकी उसकी वहां पर आपकी ट्रेडिंग कराएंगे, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक तरह से एनलार्ज प्रोडक्शन के लिए वो मोटिवेट करता है और जो आपका WTO होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उनकी आप ट्रेडिंग करके चलिए, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज, जैसे गुड्स के ऊपर इसका मेन फोकस था इसी तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो आपकी सर्विसेज है ठीक है उनकी भी ज्यादा से ज्यादा वहां पर ट्रेडिंग होनी चाहिए, तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो आपका WTO है, ठीक है। इसके अलावा कि भाई जितने भी वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, जितने भी वर्ल्ड में रिसोर्सेज हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उनका बेटर यूटिलाइजेशन वहां पर होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वहां पर चले। नेक्स्ट है कि भाई टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हम ठीक है जो भी कर रहे हैं जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ हमें क्या करना है,
कि जो भी एनवायरमेंट है उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना है, एनवायरमेंट को भी हमें सेव करके वहां पर चलना है। लास्ट एस्पेक्ट टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट क्या है कि भाई जो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भाई जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज है ठीक है उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी कंट्रीज की भी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड होनी चाहिए और कंटिन्यूअली वे वो वहां पर डेवलप करे, तभी कि हमारा बेनिफिट है इस इंस्टीट्यूशन को रन करने का। तो ये हमने आज बात करी है डब्ल्यूटीओ क्या होता है, देखो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं या क्या डब्ल्यूटीओ के आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है।